हालेलुया। तो आज का जो विषय है बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आशीष है कि परमेश्वर ने दिया है, आपके जीवन से रिलेटेड है। परमेश्वर का हर वचन आपके जीवन से रिलेटेड है, लेकिन ये जो विषय है इस विषय को लेकर आप मुश्किल में आते हैं, परीक्षाओं में पड़ते हैं। क्या आपके पास नहीं है, क्या मेरे पास नहीं है? शैतान इसी बात को आपको बताना है। शैतान रोज आपको यही बात एहसास दिलाता है कि क्या आपके पास नहीं है, और आप किस चीज को जब जहन में लाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप परीक्षा में पड़ जाते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। जो है आप उसके बारे में नहीं सोचते। आज जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या मेरे पास नहीं है। और शैतान की एक चाल है, और शैतान हमें परीक्षा में डालता है। तो आज हम इस विषय को ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर का आशीष जो हमारे साथ है हमें उसको महत्व देना है, हमें अपनी कमियों को नहीं देखना है। कौन सी कमियां है हमारे अंदर? कोई आदमी इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है। अभी भी बड़े से बड़े उद्योगपति काम कर ही रहे हैं, उनको और पैसा चाहिए, और ताकत चाहिए, और सब कुछ चाहिए। देशों में लड़ाइयां हो रही है अपनी ताकत को बताने के लिए, कोई सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन हम मसीह हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और शांति का राज को मांगे। वो हमें अपनी शांति देकर गया है संसार की, और वो शांति हमें बताती है कि हमें सुख और आनंद की अनुभूति हर पल होनी चाहिए, हर पल हर क्षण। और उस सुख को उस आनंद को अपने पास से जाने नहीं देना। तो हम शुरू करते हैं यूहन्ना 12:1-6 के बीच में। ये वो वचन है जब मरियम जो कि लाजर की बहन थी, ये दूसरी बार मरियम ने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला, और ये इत्र डालकर वो यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे, और वहां पर यीशु मसीह का चेला था यहूदा इस्करियोती। आप सब जानते हैं उसके बारे में और किस तरीके से उसने रिएक्ट किया। आज मैं उस बात पर आपको लेके जाऊंगा। यूहन्ना जॉन 12:1-6। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैथनिय्याह में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। अब लोग लाजर को देखने के लिए ज्यादा आ रहे थे यीशु से ज्यादा, क्योंकि लाजर को मृत्यु से जिलाया था। आप सोचिए, मृत्यु से जीवन पाया। अगर आप इस वचन को सोचें तो आप मौत से जीवन पा चुके हैं। आपने बपतिस्मा के द्वारा अपने शारीरिक अंदरूनी मनुष्यत्व को मार दिया है और आपने आशीष पाया है। आप नया जीवन भोग रहे हैं इस समय। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पहला मनुष्य को निकाल देते हैं, और आपको जैसे यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ था, हम भी बपतिस्मा के द्वारा मर के जिंदा हो। तो आप जितना बपतिस्मा लिया हुआ है वो नए जीवन की, नए जीवन का सुख पा रहे हैं। तो लाजर जो था वो वहां बैठा हुआ था यीशु मसीह के साथ। आगे बेटा, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आपका प्रेम क्या है? आप क्या समझते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में? आप कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं? एक औरत अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ रही है, पूरा इत्र डाल दिया।
निशान एक लगाया जाता है, जैसे आप कहीं तो यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, लेकिन हम देखिए जो सौरभ को पूरा डालती है और यीशु खुश हो। देखिए वचन क्या बताता है कि परमेश्वर को तरकीब से किया हुआ प्रेम नहीं भाता है। परमेश्वर जो चाहता है दिल से मुझे प्रेम करे, चाहे आप हाथ ना उठाए, चाहे आप उठने पर ना आए, चाहे आप सोए ना उठे, लेकिन दिल से परमेश्वर को ये बात आप अपनी आत्मा से परमेश्वर के वचन के अनुसार वचनों को चले, उसकी आज्ञाओं को महत्व दे, उसके प्रेम को महत्व दे दिल से। आइए बेटा आगे बढ़िए। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इसका 300 दिनार में बेच कर कंगालों को क्यों ना दिया। उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। अब देखिए कौन था यहूदा इस्करियोती? यीशु मसीह का चुना हुआ 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती को पहले यीशु मसीह ने अधिकार दिया था, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को वरदान दिया था, यहूदा इस्करियोती ने भी कई चंगाइयां की थी, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती ने भी दुष्टात्माओं को निकाला था, लेकिन आप देखिए उसके अंदर लालच की लालच का जो पाप था वो उसको परमेश्वर से दूर करता है। उसके पास जो था वो उसको नहीं देख रहा है, उसके पास यीशु है, उसके पास अनंत काल का जीवन है, वो उत्तराधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 12 चेलों में से एक है, उसके पास वरदान है, वो उस चीज को नहीं देख रहा है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा, वो यीशु मसीह की महिमा नहीं देख रहा है कि मेरे प्रभु की महिमा हो रही है। एक बहन आई है और उसकी सेवा कर रही है। ये हमारे अंदर भी कमियां हैं। अगर हम यीशु में आते हैं, अगर हम प्रभु में आते हैं और कोई भाई आगे बढ़ रहा है, कोई बहन आगे बढ़ रही है, तो हमारे अंदर एक खुशी का आनंद होना चाहिए। भाई अभी दो हफ्ते पहले आया, तीन हफ्ते पहले आया और देखो किस तरीके से इसको आशीष मिला। हमारे अंदर आनंद होना चाहिए कि हमारे भाई ने हमारी बहन ने कार ले ली, बहुत अच्छी बात है, हम स्कूटर नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। यहूदा इस्करियोती ये नहीं देख रहा है कि मेरे यीशु की महिमा हो रही है। मरियम जो लाजर की बहन है वो आई है और वो अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है। बहन वो जान गई है कि ये कौन है। पुलिस से पहले यीशु कहता है नहीं पुनरुत्थान हो नहीं जीवन हो, जो इस पर विश्वास करेगा और मर जाएगा वो फिर जी उठेगा। वो जान गई उस सत्य को, वो जान गई उस जीवन को। बहन जिस दिन हम जान जाएंगे कि यीशु कौन है, जिस दिन हम जान जाएंगे कि यीशु की कीमत क्या है, वो सर्वस्व है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, उसने अपना बलिदान दिया था कि हम सुख पाए, आप सुख पाए, वो हमारे पापों के लिए मरा। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और आपको पवित्र कर दिया है, उसे मेरे भाई आपके अंदर का जो प्रेम है ना वो उमड़ेगा, उमड़ेगा, उमड़ेगा। उसे जब उसका प्रेम आपके अंदर होगा और आपको कोई नौकरी से निकाल देगा ना, आप दुखी नहीं होंगे, आपका धंधा नहीं चलेगा, आप दुखी नहीं होंगे, कोई भी परीक्षा आपके सामने आएगी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि यीशु का प्रेम आपके अंदर है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को यीशु का प्रेम नहीं मिल रहा था, वो देख नहीं पा रहा था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास क्या है, वो देख पा रहा था तो सिर्फ ये कि चंद रुपए उसकी झोली से निकल रहे हैं। शैतान क्या याद दिलाता है आपको, याद की कमियां क्या है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास किस चीज की कमी है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे भाई के पास ये है मेरे पास नहीं है, मेरी बहन के पास ये है मेरे पास नहीं है, तो आप जीवन में एक मसीह होने का सुख नहीं भोग पाएंगे। हमें अपने उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें संसार से निकालकर परमेश्वर ने अपनी नई सृष्टि में रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर अय्यूब के बारे में सोचें, अय्यूब एक ऐसा उदाहरण है जिसकी प्रशंसा परमेश्वर ने की है कि उस जैसा इस धरती पर मनुष्य मैंने नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को शैतान ने एक घंटे में नष्ट कर दिया, उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसका बिजनेस चौपट हो गया, उसके पूरे शरीर में फफोले आ गए, फोड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी बीवी कहती है कि तुझे क्या मिला, 2:10 पढ़िए, अय्यूब 2:10। हालेलुया। तो अय्यूब की पत्नी उसे बता रही है कि तेरे पास क्या कमी है, तेरे पास कुछ नहीं रह गया। आज आपका दोस्त आपका पड़ोसी कहता है तेरे पास क्या है, कलीसिया जाता है कितने साल से जाता है, 15 साल से, वही पैदल, क्या मिला तुझे है? तेरा पति अभी भी शराबी है, अभी भी तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते, क्या मिला तुझे? उसको पता ही नहीं कि आपको क्या मिला है। हाँ नहीं, पढ़िए बेटा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। उससे पहले पढ़ो, नवा पढ़ो, नवा। तब उसकी स्त्री अय्यूब की स्त्री, अय्यूब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और स्त्री उसके पास आई, बोलिए, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। Amen. बता रही है स्त्री की तेरे पास क्या कमी, अब तो नहीं रह गया, अब तेरे पास ऊंट नहीं है, अब तेरे पास घोड़े नहीं है, अब तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास धंधा नहीं है, तेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। यही होता है हमारे जीवन में, यही होता है, हम जांचते हैं, हम तोलते हैं। आप दुनिया के पास जाएंगे, दुनिया आपको तोलेगी कि आपके पास क्या है। अय्यूब क्या कहता है सुनिए। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बात करती है। मूर्ख आदमी ही अपनी सांसारिक चीजों को परमेश्वर की आत्मिक चीजों से तोलेगा। जो आत्मा की शक्ति को महसूस कर पाएगा, जो आत्मा को चख लेगा ना, उसे संसार का सुख कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो क्या बोलता है मूर्ख स्त्री, बड़ा बड़ो बेटा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। दुख ना ले, आपका पिता है, जिस दिन आपका पिता आपका आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, क्या आप उसे पापा नहीं कहते, क्या उसे बाप नहीं कहते आप है? आज अगर आपके पिता की नौकरी छूट जाए और वो आज कहे कि भाई कल तक मैं आपको चिकन खिलाता था, आज मैं सिर्फ रोटी और नमक खिला सकता हूं, तो क्या आपका पिता नहीं है? हम क्यों परमेश्वर को तोलते हैं? वो हमें दे या ना दे, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें इतना कुछ दे चुका है, उसके इकलौते पुत्र के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और अपना पुत्र बनाया है, उसने अपनी धार्मिकता दी है हमें, उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर रखी है।
अय्यूब जानता है, इसलिए वो कहता है कि मैं दुख ना लूं। क्यों? क्योंकि अय्यूब प्रेम करता है परमेश्वर से। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो दुख में भी परमेश्वर की योजनाओं को ही देखेगा। यस, कुछ ना कुछ जरूर मेरे लिए परमेश्वर की योजना है। आज काम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है, मेरा यीशु काम कर रहा है। अभी भी यीशु खाली नहीं बैठा है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है। धरती का काम उसने कर दिया है, लेकिन स्वर्ग में जाकर हमारे लिए अभी भी सेविकाई कर रहा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मध्यस्थी कर रहा है। और आपको बता दूं, अभी भी यीशु मसीह के जख्म सूखे नहीं हैं, अभी भी उसके हाथों में कीलों के निशान हैं, वो जख्म लहू बह रहा है, उसके पैरों का लहू बह रहा है। जब वो आएगा ना, तो उस लहू का चिन्ह लेकर आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उस समय तक बहुत लोग उठ खड़े होंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। वो मसीह जब आएगा तो बताएगा कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। बोलिए बेटा। तो वो जो कहता है, अय्यूब कहता है कि साहब मूर्ख औरत, क्या मैं परमेश्वर से सुख लूं, दुख ना लूं? आमीन। क्यों? देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके तीन दोस्त आए और तीन दोस्त उसको कह रहे हैं कि नहीं, कुछ तो तूने काम किया है, कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो तूने पाप किया है, ऐसा ही परमेश्वर सजा नहीं देगा। मेरे भाई, आप जानते नहीं परमेश्वर को। जो परमेश्वर को नहीं जानता है ना, वो संदेह करता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो संदेह करता है। आपका पता है, जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने क्या दिया आपको पता? सबसे पहले विश्वास का वरदान। क्या दिया आपको? क्या दिया? क्या दिया? क्यों विश्वास का वरदान दिया? और कौन सा विश्वास आपको दिया है पता? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यह विश्वास आपको दिया है उसने। और क्यों दिया है? क्योंकि वो चाहता है जो आपको दिया है, विश्वास दिया है, आप विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़े। रोमियो 1:17 आप देखिए कि आपको विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन आज भी जो आज का मसीह है, वो संदेह से विश्वास की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए सुख नहीं भोग पा रहे हैं आप। संदेह नहीं, मेरा अच्छा होगा नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी होगी नहीं होगी, मुझे इन सारी चीजों से मेरा यीशु आजाद कर गया है। मैं अब शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। तो उसके तीनों दोस्तों ने कहा कि तूने कुछ तो पाप किया होगा, ये तो कमी है तुझमें। उसके दोस्त उसको कमियां दिखा रहे थे कि तेरी ये कमी है, तेरी ये कमी है, तेरी ये कमी है। अय्यूब क्या कहता है पता है? पढ़िए बेटा, अगला पढ़िए, 8:10, 8 और 12, जॉब 10:8 and 12। आनी पढ़िए जॉब 10। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। आमीन। जब दोस्त उसकी बुराई कर रहे थे, जब दोस्त उसको कमियां दे रहे थे, जब दोस्त बता रहे थे कि तेरे अंदर ये कमी है, परमेश्वर ने अब तुझे क्या नहीं दिया, तो क्या बोलता है कि तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है। आपको पता है, परमेश्वर ने, पिता ने आपको अपने हाथों से रचा है। आमीन। आदम को कैसे रचा है? उसके हाथों के स्पर्श से वो रचा गया है। हमें जो रूप दिया है, परमेश्वर ने अपने हाथों से दिया है। इसका 10वां पढ़िए बेटा, 12वां। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है। आगे। और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। आमीन। इतना सब कुछ अय्यूब का चला गया, फिर भी वो क्या कह रहा है कि तूने मुझे जीवन दिया है।
आज जो ये सांस ले रहे हैं ना आप, आज जो ये जीवन जी रहे हैं ना हम, ये उस परमेश्वर की कृपा है। आप जो हम देख पा रहे हैं, आज जो हम सुन पा रहे हैं, आज जो हम समझ पा रहे हैं, आज जो हम अपना काम कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर की कृपा है, उसकी करुणा है। उसने अब तक हमें को बचा के रखा है, क्या कम है? हेलो, जाइए आप हॉस्पिटल्स में, जाइए आप कब्रिस्तान में, आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है। उस दिन आप भूल जाएंगे ये कहना कि मेरे अंदर ये कमी है। परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता कि जब आप कहें कि मुझ में ये, मेरे अंदर ये पास नहीं है, ये पास नहीं है मेरे, ये नहीं है मेरे अंदर। नहीं, शैतान आपको ये चाहता है कि आपको बताए कि आपके पास क्या नहीं है। जो है उसकी कीमत को समझिए, जो है उसके महत्व को समझिए, जो जानिए। इसलिए अय्यूब ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने मुझे जीवन दिया है। और इसी अय्यूब का 19 का 25-26 देखिए, 25-26 अय्यूब क्या कहता है अपने दोस्तों से कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आएगा। हालेलुया, पढ़िए बेटा 19 का 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। खड़ा होगा, आमीन। क्यों हमें यह विश्वास करना है? क्यों ये हमें विश्वास करना है? क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को 2020 साल पहले भेजकर हमें आशीष दिया है, हमें बताया है कि उसके पुत्र ने हमारे लिए बलिदान देकर अपने आप को जीवित किया ताकि हम धर्मी ठहराएं। आमीन। इसलिए अय्यूब कहता है कुछ भी हो जाए मेरा छुड़ाने वाला आएगा, क्योंकि वो जीवनदायक है। हमें मेरे भाई अपनी कमियों को नहीं देखना कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या है हमें देखना है, तब आप उसकी शक्ति को महसूस कर पाएंगे, तब आप महसूस कर पाएंगे कि वो आपके साथ चल रहा है। आमीन। प्रभु चाहता है, हम क्यों नहीं महसूस कर पाते कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान संसार की तरफ है, संसार की चीजों पर है। जिस दिन हम अपने मन को प्रभु में लगाएंगे उस दिन हम उसको पाएंगे, उस दिन हम महसूस करेंगे। यस, अच्छा है दुख, अच्छा है परीक्षाएं। भजन संहिता 119 का 71 पढ़िए, भजन संहिता 119 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। आप कैसे, आप क्यों चर्च आए पता आपको? किसके लिए आए चर्च? कोई दुख था जो आपको चर्च लेकर आया है? कोई प्रॉब्लम थी जो आपको चर्च लेकर आई है? खुशहाली में तो नहीं आए? वो क्या कह रहा है दाऊद? अच्छा हुआ कि मुझे दुख हुआ, अच्छा हुआ कि मैं परेशानी में पड़ा, अच्छा हुआ कि मुझे बीमारी हुई, अच्छा हुआ कि मुझे अशांति हुई, रातों को नींद नहीं आती थी, डर लगता था, अच्छा हुआ, भला हुआ। दोबारा पढ़ो बेटे 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, मैं जान सकूं तेरी योजनाएं क्या हैं, मैं जान सकूं तुम उससे कितना प्यार करता है। क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 40 का 2 में कि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है, उसने हमें दलदल की कीचड़ में से निकाला है और चट्टान पर खड़ा कर दिया। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे ना मेरे भाई कि आप क्या थे, आज मैं महसूस करता हूं अपने घर में बैठकर, जब मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद करता हूं तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। मैं बॉलीवुड्स में 8-9 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, सीक्रेट की फिल्में थी लेकिन फिल्में थी,
मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, टीवी अनाउंसर रह चुका हूँ, न्यूज रीडर रह चुका हूँ, लेकिन मैं इतना अशांत था, इतना डरा हुआ था, मैं कर्जे में था। और मैं उस समय, आज मैं महसूस करता हूं कि वो समय मेरा दलदल में था कि मैं कैसे निकलूंगा, मेरा घर कर्जे में, गाड़ी बिक गई और मैं बॉलीवुड में किसी को बोल नहीं सकता हूं कि मुझे इतना कर्जा है, उसके ऊपर नशा मेरे ऊपर, मैं दारू पीता था। अगर प्रभु नहीं मिलता वाकई तो मैं आज कहीं चौल में होता या झोपड़पट्टी में होता कहीं। परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और दलदल की कीचड़ में से निकालकर मुझे उस चट्टान पर खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ मेरी गवाही नहीं है, ये आपके साथ भी हुआ है। हर गवाही का रूप अलग है लेकिन हर गवाही का सत्य एक ही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। इससे आप झुटला नहीं सकते, इसको आप निकाल नहीं सकते अपने जीवन से। यीशु मसीह ने आपको रूप दिया और यीशु मसीह ही आपको एक अपनी आत्मा देकर आपको जीवन दे रहा है, एक नई सृष्टि में आपको रच रहा है। जिसने इसकी कीमत को समझ लिया, याद रखिए, जिसने भी इसकी कीमत को समझ लिया कि आपको मिला क्या है, उस दिन से आपके अंदर एक सुख और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। आप दुख में भी गीत गाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, कितने ही आपके दुश्मन क्यों ना पैदा हो जाएं, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। अय्यूब के दोस्त उसके दुश्मन बन गए थे, वो बता है कि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। आपके चाहने वाले, यस, आपकी ऐसी परिस्थिति होगी, आपका जो पड़ोसी होगा, जो आपकी इज्जत करता होगा, वो आपकी बेइज्जती करने लगेगा, आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन मेरे सामने आके खड़ा होगा और दुनिया को बताएगा, 26वां पड़ोसी का, जल्दी से 26वां, 19 का 26वां, अय्यूब 19 का 26वां पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अय्यूब 19 का 26, जल्दी निकालिए। और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन, आमीन। 27वां पढ़िए। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे क्या कहा? जिसे मैं देखूंगा, जिसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, दूसरा कोई और नहीं देख सकता। यीशु मसीह को सिर्फ पौलुस ने ही उस एनकाउंटर को समझा। दमिश्क में पौलुस के संग और भी लोग थे जो पौलुस के साथ थे, वो नहीं समझ पाए, वो नहीं देख पाए, पौलुस ने देखा। जिस दिन आप दुख में भी उसको याद करके जो उसने दिया है उसके लिए धन्यवाद करेंगे ना, तभी आप उसको देख पाएंगे। अय्यूब क्या कहता है कि कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूं और कोई महसूस नहीं कर रहा है। आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, जब तक आप परमेश्वर को समझेंगे नहीं। परमेश्वर क्यों आपके पापों को माफ करता है? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें। हेलो, आमीन। अय्यूब कहता है, उसे निश्चय
क्योंकि जब उसके अंदर जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई, उससे निंदा नहीं की, उसने नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है, मैंने इतना खराब जिंदगी दी है, मैंने हमेशा तेरा नाम लिया है, जब भी मेरे बच्चे आते थे बाहर से मैं उनके लिए आपका बलि करता था, मैंने तेरी हर विधि को माना है, क्या किया तूने मुझे, क्यों किया तूने मुझे, क्या और क्यों उसने नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने प्रभु को देखूंगा। आमीन। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक मसीह बनने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि मैं अपने प्रभु को देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे मैं देखूंगा, जिसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, दूसरा कोई और नहीं, मेरा हृदय भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहा है। आमीन। अय्यूब ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरे बच्चों को लौटा दे, अय्यूब ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरे जानवरों को लौटा दे, मुझे पहला जैसा अमीर बना दे, नहीं, वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुझे देख सकूं। इतना सब कुछ खोने के बाद कि मैं तुझे देख सकूं, मैं और देखूंगा अपनी आंखों से। किन आंखों की बात कर रहा है वो? मैंने आपको हमेशा कहा इफिसियों 1:17-18, आपको प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। एक मसीह के लिए यह प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये रोज प्रार्थना आपको 10 बार करनी चाहिए, आप देखिए आपकी बुद्धि कैसे खोलेगी। ये प्रार्थना रोज करिए, इस प्रार्थना को अपना बना लीजिए। हे पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे, तुम्हें की जगह मुझे, मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए ताकि मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे ताकि मैं तेरी बुलाई की, ताकि मैं तेरी बुलाहट को जान सकूं, मैं उत्तराधिकार के उस आशीष को जान सकूं जो तूने मुझे दिया है। वचनों को याद रखिए, वचनों को बोला करिए आते जाते। सिर्फ ये नहीं कि बाइबल आपने पढ़ी, 2 चैप्टर पढ़े और बस, नहीं, वचनों में खो जाइए। उसके लिए अय्यूब के लिए वो जीवन नहीं है जो वो जीता था, वो नहीं पाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने पिता को देखूं, मैं अपने प्रभु को देखूं जिसने मुझे जीवन दिया है। आमीन। कौन कर सकता है ये? जो उसके महत्व को समझता है, जो अपनी कमियों को नहीं देखता है। इसलिए हमें अपने कमियों से बाहर आना है। शैतान चाहेगा कि हम रोज अपनी कमियों को देखें, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, आज मेरी पगार ये नहीं है, आज मेरे धंधे में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, शैतान क्या चाहता है कि आप अपनी कमियों को देखिए और परमेश्वर से दूर हो जाइए। लेकिन जब आप अपने अंदर जो है, जो प्रभु ने आपको दिया है, जब उसके महत्व को समझते हुए जब उसको देखेंगे, तो आप अपनी कमियों में भी, परीक्षाओं में भी प्रभु के करीब रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे प्रभु को देखना है, अपनी कमियों को नहीं देखना है। एक और उदाहरण देकर मैं बंद करूंगा। नियोमी के बारे में आपने सुना होगा, रूथ की सास नियोमी। उस समय न्यायियों का जमाना था, न्यायी, न्यायियों की किताब आपने पढ़ी होगी, यहोशू के बाद है, 350 साल का पीरियड है जो न्यायियों की किताब लिखी गई थी। आखिरी न्यायी कौन था, कौन था आखिरी न्यायी? हालेलुया, शमूएल। पहला भविष्यवक्ता कौन था? शमूएल। हालेलुया। तो न्यायियों की किताब में आप देखिए, रूथ जो है वो न्यायियों का अंत है। उसमें मोआब के लोग, मोआब वहां पर ने कब्जा किया हुआ था। मोआब बहुत ही बड़ा अच्छा देश था, बहुत प्रॉस्पर देश था उस समय। नियोमी जो बैतलम में रहती थी, और बैतलम में अकाल आया। क्या आया? अकाल आया उसके जीवन में। वो जानती थी परमेश्वर को। बैतलम का मतलब क्या है? घर में रोटी। प्रेज द लॉर्ड। तो बैतलम में जो रहती थी, अकाल आया तो वो छोड़कर कहां गई?
मुआब में आ गई। नोमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसने हमेशा अपनी कमियों को इंपॉर्टेंस दिया। मेरे पास क्या नहीं है वो उसको देखती थी हमेशा। आज मेरे पास रोटी नहीं है, भागो। मुआब गई वो। मुआब एक अशुद्ध जाति, लूत और उसकी बेटियों से बड़ी बेटी का जो बच्चा था उसका नाम मुआब था। तो मुआब एक अशुद्ध जाति, एक परमेश्वर के घर को छोड़कर वो मुआब चली गई और वहां पर क्या हुआ, उसके पति की डेथ हो गई, दोनों बेटों की डेथ हो गई। वो कहती भी है जब वो वापस आती है कि मैं क्या लेकर गई थी और मैं अधूरी आ रही हूं। क्यों? क्योंकि उसने अपने कमियों को इंपॉर्टेंस दी। मेरे पास क्या नहीं है, क्या जहां पर गई थी वहां कमियां पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई और दुखी हो गई वो। इसहाक के बारे में आपने जाना, देखिए यही आप इसहाक के बारे में, इसहाक जब था गरार में, 26वां निकालिए उत्पत्ति 1 का 26वां, उत्पत्ति 1 का 26वां देखिए, 26वां अध्याय। तो उस समय भी अकाल आया, जब इसहाक था गरार में उस समय भी बहुत बड़ा अकाल आया जो मिस्र में आया था, जहां जब इब्राहिम गया था मिस्र में, 12वें चैप्टर में उत्पत्ति 12वें में जब इसहाक गया था। अब तो इसहाक यहां पर था 26वें चैप्टर में, अगर आप देखेंगे तो वहां पर अकाल आया। लेकिन उसने क्या किया, लोग भाग रहे थे मिस्र की ओर जा रहे थे, गरार से कहां जा रहे थे, मिस्र की ओर, अपनी कमियां देख रहे थे वो और भाग रहे थे। और इसहाक ने पूछा परमेश्वर से कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने कहा तू वहीं रुक। उत्पत्ति 26 तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। कौन सा, तीसरा अध्याय तीसरा वचन। वो कहता है, गरार से पूछता है, इसहाक से, इसहाक पूछता है परमेश्वर से कि मैं कहां रहूं। उस समय बहुत भयंकर अकाल था गरार में, लेकिन वो पूछता है मैं कहां रहूं, और परमेश्वर क्या कहता है, बोलिए बेटा, तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह जहां पर अकाल है और मैं तेरे संग रहूंगा। आमेन। हेलो, आपको अकाल से फर्क पड़ सकता है, आपको महंगाई से फर्क पड़ सकता है, तेलों के दाम बढ़ने से आपको फर्क पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। अकाल के होते हुए सारे लोग भाग रहे थे, जहां अकाल होगा भाग रहे थे सब लोग, लेकिन क्या कहा परमेश्वर ने, तू यहीं रहे। हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के मुताबिक। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु हमारा चरवाह है और वचन क्या कहता है कि वो मेरा चरवाह है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं इस एहसास को, इस विचार को, इस वचन को अपने आप अपने में बांध लीजिए कि परमेश्वर मेरा चरवाह है, परमेश्वर मेरा ढाल है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। चाहे कैसी भी स्थिति आए, चाहे कैसा भी अकाल आए, चाहे कैसी भी कमियां हो मुझमें, मेरे जीवन में, लेकिन मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है कि मैं तेरे संग हूं, और इसहाक वहीं रह गया। और बाइबल बताती है, इसका 12वां वचन पढ़िए, 26 का 12वां। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आमीन। अकाल की भूमि में इसहाक ने बोया। आप सोचिए, इसहाक जब अकाल की भूमि में हल जोत रहा होगा तो लोग हंस रहे होंगे, ये पागल है, अकाल है इसको दिखाई नहीं देता, बारिश नहीं हो रही है, भूमि सूख गई है, पत्थर हो गए हैं, भूमि में पत्थर हो गए और ये जल जोत रहा है, हल जोत रहा है, ये पागल आदमी है। यही आपके साथ है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, आप कहते धन्यवाद। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं तो कहेंगे पागल लोग हो गए हैं यार, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, अरे कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उसके संग है।
इसलिए अकाल की भूमि में वो हल जोत रहा है और वचन कहता है कि उसी साल में उसने 100 गुना फसल काटी। और बाइबल कहती है अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां का राजा अबीमेलेक था वो एक साल में अबीमेलेक से ज्यादा धनी हो गया। कौन था उसके साथ? परमेश्वर। जरूरी क्या है? अपनी कमियों को मत देखिए, आपको यह देखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है। मैं कहीं कोई ऐसा गलत काम ना करूं जो मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे। बस मुझे इस चीज को देखना है, मेरे जीवन जीने के अंदाज से, मेरे काम करने से। मुझे संसार में जाना है, कोई बात नहीं, आप काम करना है, आपको संसार में जाना है, लेकिन संसार में जाकर प्रभु का वापस आना है, प्रभु के लिए वापस आना है। जिस तरीके से आप गए थे, आपको पवित्र किया है परमेश्वर ने, आपको पवित्र किया अपने लहू से यीशु मसीह ने। इसलिए अगर आप संसार में काम करते हैं तो उसी पवित्रता के साथ आप संसार में जाएं और उसी पवित्रता को अपने साथ रखें हमेशा, तब परमेश्वर कहेगा मैं तुझे अपना पुत्र बनाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियन 6:17 पढ़िए। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से, संसार के बीच में से निकलो और अलग रहो। आगे, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हमें यह ध्यान देना है कि मैं संसार में तो जा रहा हूं लेकिन कोई अशुद्ध वस्तु तो मैं नहीं छू रहा हूं, कोई अशुद्ध वस्तु तो मेरे मुंह से नहीं निकल रही है, कोई अशुद्ध वस्तु तो मेरे अंदर नहीं जा रही है। मुझे अशुद्ध वस्तु से जीवन नहीं अपना चलाना है। अशुद्ध वस्तुओं से, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और क्या बनाऊंगा? इसका 16 क्या लिखा हुआ है कि तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बनाऊंगा। अगला देखिए, अगला 17-18। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। आमीन। आप सोचिए, आपको वो अशुद्ध चीजें चाहिए कि परमेश्वर आपका पिता है, ये चाहिए। आमीन। मेरा, आप सोचिए कितना अच्छा वादा है। वो कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। छूने की बात कर रहा है वो, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप संसार में जा रहे हैं, हर चीज अशुद्ध है। आपको अपने आप को बचाना है, आपको बहुत सतर्क रहना है कि मैं संसार में हूं, कोई भी गलत चीज मेरे पास से ना गुजरे, मैं छू भी ना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि तभी तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। आमीन। मुझे उस ओहदे को, उस रिश्ते को किसी भी तरीके से बना के रखना है। परमेश्वर मेरा पिता है, इस ब्रह्मांड का रचयिता मेरा पिता है। हेलो। इसलिए अपनी कमियों को मत देखिए, आपको क्या दिया है परमेश्वर ने उसको देखिए। जिस दिन आप उसे देखना शुरू कर देंगे उस दिन आपके चलने का तरीका बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। उस दिन आप परमेश्वर को अलग तरीके से देखेंगे, उसके वचनों में आनंद उठाएंगे, परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, आप नहीं डरेंगे आप परीक्षाओं से। आज काम नहीं है, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। आज मेरे पास काम नहीं है, धन्यवाद, आज मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। आमीन। मैं उसे बताऊंगा कि आज मेरे पास काम नहीं है, मैं उसे बताऊंगा कि आज मेरे घर में रोटी नहीं है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि वो मेरा पिता है। आमीन। और तब देखिएगा, जिस दिन आप इस कदर से प्रार्थना करेंगे, जिस दिन आप इस विश्वास के संग जिएंगे, स्वर्ग खुलेगा और वर्षों की वर्षा होगी। स्वर्ग खुलेगा और आशीषों की वर्षा आपके जीवन में होगी। आप क्या सोचते कि पिता ने अगर आपको पुत्र कहा है, अपनी पुत्री कहा है, वो यूं ही छोड़ देगा आपको? उसे नहीं पता कि आपको भूख लगी है, उसे ये नहीं पता कि आपको चर्च चलाना है, उसे ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? हेलो। आमीन।
आप विश्वास का कदम बढ़ाइए, परमेश्वर आपको हाथ से आगे लेके जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आज से हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, हम वाचा बांधते हैं। वाचा बांधेंगे सब लोग मेरे साथ, जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलिए, हे पिता परमेश्वर, एक साथ आवाज आनी चाहिए, हे पिता परमेश्वर, आज से मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगा, आज से पिता परमेश्वर मैं सिर्फ अपनी आंखें, अपना मन, अपनी दृष्टि सिर्फ तुझ पे रखूंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कुछ भी होता रहे, होने दीजिए, मैंने परमेश्वर के संग वाचा बांधी है, मैं परमेश्वर का हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि एक दिन परमेश्वर मेरे सामने खड़ा होगा। विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। कितनों ने विश्वास किया, कितनों ने ग्रहण किया? इस वचन को हमको ग्रहण करना है और अपना बनाना है। ये यूट्यूब पे भी आता है वचन, इसको एक बार नहीं, आप 10 बार सुनिए और इस वचन को अपना बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया।